नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। खबर वैशाली जिले से आई है। वैशाली के लालगंज प्रखंड क्षेत्र के लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के विलंदपुर गांव में गंडक नदी के पानी बस्तियों में घुसने से त्रस्त ग्रामीणों ने मंगलवार को मनुष्य एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार को अपनी सारी समस्याओं से अवगत कराया और प्रखंड प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की गई। हंगामा कर रहे लोगों में देवतिया देवी, सुभाष सहनी इत्यादि लोगों का आरोप है कि लगभग लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के वेलंदपुर गांव के वार्ड 9, 8 और 7 में नहर के माध्यम से चौरी होते हुए बस्तियों व घरों में लगभग 15 दिनों से पानी लगा हुआ है, जिससे मजदूर वर्ग के लोग घर से बेघर हो गए हैं। वहीं अब जीना मुहाल हो गया है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने ऊपर के अधिकारियों से अपील कर मुआवजे दिलाने की बात भी बताई है। लालगंज वीडियो जो है लालगंज प्रखंड के, वो बोलते हैं हर योजना में अगर कहीं भी सूचना दिया जाए, अभी जैसे देखिए लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के वार्ड नंबर 9 सैकड़ों घर जो है बाढ़ के पानी से दहा हुआ, उनको सूचना देने पर बोलते हैं कि जांच कराएंगे। आज 8 दिन हो गया जांच नहीं करा रहे हैं और एक धौंस भी देते हैं, बोलते हैं कि पहले अगर सुधारना है तो सारे मंत्रिमंडल को सुधारिए। हम लोग तो छोटा सा एक पदाधिकारी हैं जिसके आदेश का पालन करते हैं। इतना भ्रष्टाचार लालगंज के अंदर है और अपने आप को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का रिश्तेदार बताते हैं, गांव के समीप का गांव बताते हैं। एक दिन वार्तालाप में उन्होंने बताया और नीतीश कुमार जी का नजायज फायदा उठाते हैं। एक मिनट। और ये वीडियो जो है बोलते हैं कि नहीं, हम लोग 3 साल के नियुक्त रहते हैं, हम लोग कोई भी आईपीएस पदाधिकारी आईएएस पदाधिकारी ठीक है और थाना अध्यक्ष, तो इसका मतलब है कि 3 साल आपको पद स्थापित कर गया। तो मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ कि 3 साल में इसका मतलब है पदाधिकारी लोग इसीलिए नारा लगाए हुए हैं, कौन बनेगा करोड़पति, भ्रष्टाचार में संलिप्त है, गरीब का कार्य नहीं हो रहा, यहाँ सैकड़ों घर दहा हुआ है अभी लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत में वार्ड नंबर 9 में। लेकिन वीडियो को इतना सूचना दिया गया, 10 बार फोन किया गया, जाके वहाँ लिखित दिया मनुष्य एकता पार्टी ने, लेकिन फिर भी वो आकर जांच तक नहीं की। यहाँ के गरीब जो है देखिए, कपड़े के लिए, खाने के लिए, पानी के लिए तरस रहे, इनको रहने की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई। यही है नीतीश सरकार, नीतीश सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार भरी हुई है। जबकि हमने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी सूचना दी, संबंधित मंत्री लोगों को फोन पे सूचना दिया, लेकिन अभी तक यहाँ कोई एक पदाधिकारी नहीं आया, कनीय पदाधिकारी नहीं आया। यही नीतीश सरकार है, यही नीतीश सरकार की भ्रष्टाचार है। तो मुआवजे की बात कही जा रही है, हालांकि बेहतर ये होगा कि जो अधिकारी है वो गांव में स्थिति का जायजा ले, मुआयना करे और यथासंभव हो सके ग्रामीणों की मदद की जाए। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।